मेकू डू लालच है डू है के बैठा साडा बाबा और मेरा बाबा कले तो नहीं यूसर अल्लाह तो ने सारे रख प्यो है ना साडा रेबर है साडा मालिक है साडी खुशी गमी दा साडी नौकरियां सड़क बिजलियां एयरपोर्ट लटरम पटरम सब कुछ तोड़ी जोली सड़ दिता है कहले यूसर अल्लाह की लाली ने फिर कहते बूटा गाला कटदा है जब से पाकिस्तान बना है इन बदउनवान अफीसरों की वजह से हमें बहुत परेशानी रहती है क्योंकि पूरी कौम को कौमी तराने के पीछे लगाया हुआ है और खुद कौमी खजाने के पीछे लगे हुए हैं। जिस तरह निका गलत है और निके काबा ठीक है आपकी नजर में कौन ठीक है निका भी ठीक है और निके काबा भी ठीक है यार निके काबा महबूबा गले पड़ गई मतलब ये है जी कि मतलब ये कि साढ़े तो अनुपता ना छोटे होंदे बच्चे कहीं मुंह च अंगूठा लेंदे ने छोटे होंदे अंगूठा लेके फिरदे ने और मावां की कर दिया ने उन्हां दा अंगूठा छड़ाने वास्ते पजामे दी लास्टिक ढिली कर दिया ने ओ सारा वेले बच्चा लास्टिक ही फड़ी रखदा अंगूठा उत्ते जांदा ही नहीं है ए इमरान खान ने इहनां दी लास्टिक ढिली कर दित्ती है जरा सब खुल के हंसे सारे ये पतंजलि सोफा है बोल रहे कि ऐसा सोफा आने वाला है तो आदमी ज्यादा बैठेगा नहीं उस पे खड़ा रहेगा और फिट रहेगा इसको नवाज शरीफ को बैठाएंगे तो अभी इतना बदमाश है नाम शरीफ रख रखा मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता मैंने तो बड़े नायब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा ये तो मसला ही नहीं बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा मसला ये है दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया के वाह पटोकी वालों वाह आपने तो कमाल कर दिया है और पाकिस्तान का भिखारीपन खत्म करोगे तो फिर मेरे साथ ये नारा लगाओ गंदम का ऐलान हाँ ये एक यो मिनट को मेहरबानी सबर को कोई बंदा किसी खतून छेड़ बैठा ओने अगे ओनू क्या फिटे मूह तेरा मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है जिस दिन घर से खाया हराम ही खाया